सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की अपकमिंग फिल्म केसरी के एडवांस बुकिंग के बारे में, और दोस्तों इसी के साथ जानने वाले हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सर की फिल्म बदला के 11 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और दोस्तों जानने वाले हैं कि इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म ने ज्यादा कमाई की है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिल्म बदला के बारे में, जिसके लीड में आपको दिखाई दिए हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी और तापसी पन्नू। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुजय घोष ने। बात की जाए बॉक्स ऑफिस की तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे 5,04,00,000 रुपए, जो कि एक काफी अच्छी ओपनिंग मानी जा सकती है क्लैश होने के बाद। वही दोस्तों इस फिल्म का फर्स्ट वीक का कलेक्शन था 38 करोड़। दोस्तों इस फिल्म ने अपने सेकंड वीकेंड में भी काफी अच्छा होल्ड किया, और कई सारी नई फिल्में रिलीज होने के बाद भी ये फिल्म सबसे आगे रही। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने अपने 8वें दिन कमाए थे 4,05,00,000 रुपए, अपने 9वें दिन कमाए थे 6,60,00,000 रुपए। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने 10वें दिन कमाए 8,05,00,000 रुपए। दोस्तों इस तरह से इस फिल्म का जो सेकंड वीकेंड का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था अपने 10 दिनों का हो चुका था 56,70,00,000 रुपए। दोस्तों इस फिल्म ने अपने 11वें दिन भी काफी अच्छा होल्ड किया, और इस फिल्म के 11वें दिन के कलेक्शन भी रहे हैं 2,80,00,000 रुपए, जिससे कि इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 59,50,00,000 रुपए। बता रहे दोस्तों कि यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छी कमाई कर चुकी है, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस फिल्म का हो चुका है 95 करोड़ रुपए। अब अगर बात करें इस फिल्म के 12वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों 12वां दिन भी इस फिल्म के लिए काफी अच्छा निकल रहा है, और ये फिल्म आज भी लगभग 2.5 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 62 करोड़ रुपए। बता रहे दोस्तों कि इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है, और ये फिल्म रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के लिए 5 सालों बाद कोई सुपरहिट फिल्म साबित हुई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की फिल्म केसरी के बारे में, जो की रिलीज होने वाली है 21 मार्च को। लेकिन दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो अभी से शुरू कर दी गई है। इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाले हैं बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार सर, परिणीति चोपड़ा। वहीं दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जाने माने डायरेक्टर अनुराग सिंह ने। बता रहे दोस्तों कि यह फिल्म बैटल ऑफ सारागढ़ी के ऊपर बनाई गई है, जो कि इंडियन इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती थी। अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म की एडवांस बुकिंग के बारे में, तो बता रहे दोस्तों कि यह फिल्म 2 घंटे 15 मिनट की फिल्म है, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में लगभग 4100 स्क्रीन पर लगाया जा रहा है, जो कि अक्षय कुमार सर के लिए सबसे बड़ी रिलीज फिल्म है। अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म की एडवांस की, तो दोस्तों अभी तक इस फिल्म की जो एडवांस की बुकिंग है वो पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म काफी अच्छी एडवांस ले चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक ये फिल्म 7 करोड़ रुपए तक की एडवांस ले चुकी है अपने पहले दिन के लिए, जो कि एक काफ़ी बड़ी एडवांस बुकिंग है। और दोस्तों ये फिल्म बदला के पहले दिन के कलेक्शन से एडवांस में ही जीत चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर केसरी का काफ़ी अच्छा बज बना हुआ है, और लोग अक्षय कुमार सर को एक बार फिर से एक्शन अवतार में देखना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ की कमाई कर लेगी? क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की एडवांस अभी तक हो चुकी है 7 करोड़ रुपये की, और मुझे लगता है कि ये फिल्म अब 25 करोड़ के ऊपर की कमाई कर सकती है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।